बहुत सारी गायों का झुंड आ चुका है। ये वही वाली गाय है जो उस दिन आई थी जिसके साथ मैं लड्डू डर गया था। अभी अप्रैल का फोकस तो पूरा इस स्टोन के ऊपर है। ये गाय थोड़ी सी खतरा हो, फिर से वही सीन हो गया उस दिन। सेम लड्डू तो बेचारा ऐसे ही भागे जा रहा है पागल की जैसे, कुछ बोलता तो है नहीं। देखो बाल सारे खड़े कर लिए इसे डर के मारे। लड्डू चलो गई सारी गाय तो यहाँ से। यार गाय एक ऐसा जानवर होता है जो सबसे सीधा और सबसे सरल जानवर होता हो। मतलब डॉग्स भी वैसे ही होते हैं, बट हाँ गाय बस भोला सा जीव है। मतलब बहुत ही भोली सी लगती है गाय। आप फेस देखोगे उसका तो आपको बहुत ही भोली सी लगेगी। यहाँ पे किसी ने उसको आवाज़ दी है रोटी देने के लिए तो वापस आ रही है। ये लड्डू यहाँ से देख रहा है गाय को, देख सकते हो कैसे नज़र इसकी। ओह डर गया, डर चुका है। अरे मेरे पास क्यों आ रही है गाय? ये अप्रैल आने ही नहीं देगी इनको। अप्रैल नो। अच्छा ऊपर से पापा रोटी दे रहे हैं, चलो रोटी। हे इधर आओ, कमी है अप्रैल। तो यार ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता अपना कि गाय परेशान हो या अपन इनको गाय पे बाग करवाएं या फिर खेल करें गाय के साथ। बट हाँ सेम टाइम हो जाता है कई बार अप्रैल का और इनका। तो अब अप्रैल का बिहेवियर है यार, वो बार्क करेगी ही करेगी और मैं बांध के रखता हूँ ही डॉग्स को, तो ठीक है। कभी बाइट नहीं करती है यार ये, बट इसकी ये चीज़ अच्छी है, बाइट आज तक नहीं करा किसी काओ को, बाइट नहीं करा इसने। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। लड्डू तो सारा फोकस लड्डू का जा चुका है और अभी इन काउस के ऊपर ही है सारा फोकस लड्डू का। देख रहे हो इंस्टिंक्टिव। तो गाइस मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है यार कि अभी जैसे लड्डू 10 मंथ्स का हो चुका है तो मेरा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं है। मतलब अप्रैल का एक्सपीरियंस रहा बट मैंने कभी उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया। बट अभी लड्डू 10 मंथ्स का हो चुका है तो आपको क्या लगता है यार, ये जब 2 ईयर्स का होगा तब इसकी हाइट अभी और ग्रो होगी या फिर नहीं होगी, या फिर हेयर लेंथ में ग्रोथनेस आएगी या फिर नहीं आएगी? सो प्लीज़ टेल मी अगर आप लोगों के पास कोई जवाब हो तो। ठीक है गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।